हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में तंदूरी चिकन कैसे बनाया जाता है, और साथ में तंदूरी चिकन की रेड मैरिनेशन भी बना के दिखाऊंगा। इसमें कौन से मिर्च मसालों का ऐसा यूज़ किया जाता है जिससे खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है, तभी आप प्रॉपर तरीके से इसको बनाना सीख पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे होल चिकन लिया है। चिकन का जो वेट है वो 700 से 800 ग्राम के बीच में होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा चिकन नहीं लेना है, वो खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं बनता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कट लगाने हैं। तीन कट आपने ब्रेस्ट में एक साइड में लगाने हैं, तीन कट आपने ब्रेस्ट की दूसरी साइड में लगाने होते हैं। कट अच्छे गहरे लगाने हैं, नीचे एक सुप्रीम पार्ट होता है इसके अंदर तक, वहाँ तक आपने कट लगाने हैं, तभी मैरिनेशन का टेस्ट इसके अंदर तक जाता है। देखिए, थाई में आपने दो कट लगाने हैं ऐसे, और एक लेग में कट लगा दीजिए, और जो लेग का मोटा सा पीस होता है वहाँ से आपने एक कट वहाँ भी लगाना है, ये देखिए। और एक कट आपने लेग के ना ऊपर नस के ऊपर लगाना होता है। यहाँ से नस को आप काट दोगे तो ये सिकुड़ जाता है और अच्छे से लेग पक जाता है अच्छी तरह से। अब इसकी ना फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया है। एक छोटा चम्मच यहाँ पे देगी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आप कश्मीरी मिर्च पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। एक चम्मच छोटा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। एक छोटा चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड करेंगे, अगर आपके पास लेमन जूस ना हो तो आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं। तो एक पूरा लेमन हम इसके अंदर निचोड़ देंगे। फर्स्ट मैरिनेशन करने से क्या होता है, चिकन के अंदर जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है, दूसरा मिर्च मसालों का टेस्ट अंदर तक चला जाता है, और चिकन अच्छे से पक भी जाता है। तो फर्स्ट मैरिनेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है चिकन की। ये देखिए, अच्छे से इसको फर्स्ट मैरिनेशन के साथ मिक्स कर लेंगे। फर्स्ट मैरिनेशन करने के बाद आपने चिकन को कम से कम 30 मिनट तक इसी मैरिनेशन के अंदर छोड़ना होता है, तभी इस मैरिनेशन का इसके अंदर असर होता है। या फिर आप इस चिकन को एक दिन या दो दिन तक भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इस मैरिनेशन के अंदर जितनी ज़्यादा देर ये चिकन इस मैरिनेशन में रहेगा, उतना ही अच्छे से आपका चिकन गलेगा। सेकेंड मैरिनेशन के लिए हमें सॉल्ट चाहिए, देगी मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर लिया है, गरम मसाला पाउडर। मसालों की क्वांटिटी मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ी ज़्यादा ली है, बट इनका जो यूज़ करेंगे वो हम आगे एक मैरिनेशन में कम करेंगे। रोस्ट की कसूरी मेथी लिए, देखिए चाट मसाला पाउडर लिया है यहाँ पे मैंने, एक सूप बॉल मैंने यहाँ पे भर के हैंग कर लिया है। मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करेंगे मैरिनेशन बनाने के लिए, ब्लैक सॉल्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और लेमन जूस। तो बस हमें यही इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और जो मस्टर्ड ऑयल लिया था पैन के अंदर डाल देंगे। ऑयल को आपने हाई हीट में अच्छे से धुआं निकलने तक गर्म कर लेना है, ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। देखिए, धुआं निकल रहा है ऑयल से। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर बनाने देना है। देखिए, इतनी हीट होनी चाहिए कि आपको ज़्यादा गर्म नहीं लगना चाहिए। फिर एक छोटा चम्मच भर के हमने इसके अंदर देगी मिर्च पाउडर ऐड कर देना है, और देगी मिर्च पाउडर को आपने अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ऑयल का टेम्परेचर कितना कम है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आपकी देगी मिर्च पाउडर डालते ही जल जाए। तो ये हमारा रेड कलर बन के तैयार हो चुका है, इसको हम एक बाउल में डाल देंगे। अभी आप देखिएगा कितना अच्छे से कलर आएगा हमारी मैरिनेशन में। हम जो मैरिनेशन बनाते हैं ना विदाउट कलर बनाते हैं, फूड कलर का यूज़ नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अब इसके अंदर हमने हैंग कर्ड ऐड कर देना है। हैंग कर्ड ऐड करने के बाद इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, तो एक छोटा चम्मच मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। एक छोटा चम्मच भर के इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, सिंपल कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। रोस्ट की कसूरी मेथी डालेंगे 1/4 टीस्पून, और चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें। एक छोटा चम्मच भर के मैंने चाट मसाला पाउडर डाला है। गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, ज़्यादा गरम मसाला पाउडर भी खाने को कड़वा करता है, तो चौथा हिस्सा डाला मैंने। फिर इसमें लेमन जूस ऐड किया है, साथ में ब्लैक सॉल्ट भी डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है मैरिनेशन के अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है एक छोटा चम्मच भर के, और साथ में इसमें डालेंगे देगी मिर्च पाउडर, भुना हुआ बेसन डालेंगे, भुना हुआ बेसन अच्छी मैरिनेशन को बाइंडिंग देता है, और इसमें एग भी ऐड करेंगे, तो एग वाइट का यूज़ करेंगे, मैरिनेशन को बाइंडिंग अच्छी देता है। पहले जो हम मैरिनेशन बनाते थे नॉन वेज के लिए उसमें एग का यूज़ करते थे, बट आजकल लोग बहुत कम इसका यूज़ करते हैं, बट आप यूज़ करके देखिए बहुत अच्छी बाइंडिंग आ गई आपके नॉन वेज डिशेज़ के ऊपर। अब सारे इन्ग्रीडियंट्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, आप हाथ से कर सकते हैं, आप बिस्कर का यूज़ कर सकते हैं इनको मिक्स करने के लिए, बट मिक्स आपने तब तक करना है जब तक हैंग करके जो लम्स है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म ना हो जाए। कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक आपने इसको कंटिन्यू मिक्स करना है। जितनी स्मूथ आपकी ना मैरिनेशन बनेगी ना, उतना ही बढ़िया आपकी मैरिनेशन में बाइंडिंग आएगी और उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। देखिए,
अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है मैंने। तो आप इस मैरिनेशन से तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, चिकन अंगारा टिक्का जैसी कई सारी डिशेज बना सकते हैं। तो ये हमारी रेड मैरिनेशन बनके तैयार हो चुकी है। अभी जो चिकन रखा था देखिए, आप देख सकते हैं इससे कितना ज़्यादा पानी निकल रखा है। तो आपने ये पानी जो है ना वो मैरिनेशन में यूज़ नहीं करना है, बस आप चिकन को उठा के मैरिनेशन के अंदर मिक्स कर दीजिए। क्योंकि अगर हम इस पानी का यूज़ करेंगे मैरिनेशन में तो मैरिनेशन पतला हो जाएगा और चिकन के ऊपर अच्छी बाइंडिंग नहीं आएगी मैरिनेशन की। तो देखिए चिकन को यहाँ पे मैंने सेकंड मैरिनेशन के अंदर डाल दिया है और अच्छे से चिकन के ऊपर अब सेकंड मैरिनेशन की कोटिंग कर देंगे। अगर आपके पास मैरिनेशन ज़्यादा है तो अलग से बॉल लेके उसमें चिकन और मैरिनेशन को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी सारी मैरिनेशन ख़राब नहीं होगी। तो देखिए चिकन को अच्छे से यहाँ पे मैंने कोट कर दिया मैरिनेशन के साथ। इसके बाद इसको क्लीन रैप करके कम से कम 20 मिनट तक फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से क्या होगा, मैरिनेशन थिक हो जाएगी और चिकन के ऊपर मैरिनेशन अच्छे से पकड़ हो जाती है। तो 20 मिनट तक इसको फ्रिज में रखेंगे अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट तंदूर में लगा सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं आपको इसको ना तंदूर में सेक के दिखाऊंगा, रोस्ट करके दिखाऊंगा। तो अपने चिकन को रोस्ट करने के लिए सबसे मोटे वाले स्क्यूर का यूज़ करना है, सबसे मोटे वाले सरिये का यूज़ करना है, क्योंकि चिकन का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये देखिए ये जो पंख होता है ना, पंख में इसका एक ज्वाइंट रहता है, तो वहाँ पर आपने इसको ऐसे निकाल देना है और सेंटर में, सरिये के सेंटर में इसको आपने ऐसे लटका देना है। और उसके बाद हल्की हल्की सी मैरिनेशन की इसके ऊपर कोटिंग कर देनी है ताकि चिकन अंदर से ना जले। तो ये देखिए अच्छे से चिकन के ऊपर कोटिंग करने के बाद अब हम इसको रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट करने के लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तंदूर का जो टेम्परेचर रहता है वो 180 टू 200 डिग्री होना चाहिए। इससे ज़्यादा में आप अगर रोस्ट करेंगे तो चिकन जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। तो देखिए इसको कवर कर देते हैं और 8 से 10 मिनट तक इसको आराम से ऐसे पकने देते हैं कवर करके। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इसके अंदर से ना पानी वगैरह निकलता है। तो जब वो पानी अच्छी तरह निकल जाता है तो उसके बाद चिकन अच्छे से अंदर से कुक हो जाता है। तो 1 मिनट का रेस्ट आपने इसको ज़रूर देना है। और जैसे हम सरिया दूसरी साइड को पलटी करके लगाएंगे तो नीचे मैंने एक आलू लगा दिया है, कच्चा आलू लगाया है ताकि चिकन ना सरिये से नीचे ना गिरे। चिकन का जो पेट है वो ज़्यादा हो जाता है और रोस्ट होने के बाद चिकन ना स्लिप करने लग जाता है कई बार, तो आलू आपने जरूर लगाना है इसके आगे, उससे आपका चिकन तंदूर के नीचे गिरेगा नहीं। तो देखिए 5 मिनट और हो चुके हैं, लगभग 15 से 16 मिनट चिकन को रोस्ट होते हो चुके हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बटर अप्लाई करेंगे, बटर डालेंगे, इसको बास्टिंग बोलते हैं। बटर डालने से क्या होता है, स्मोकी फ्लेवर आएगा तंदूर से, जो धुआं उठता है ना उससे अच्छी स्मोक आती है चिकन के अंदर। तो ये देखिए हमारा जो रोस्टर चिकन है, तंदूरी चिकन है, वो बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। तो चिकन को रोस्ट करने में प्रॉपर जो टाइम लगता है वो 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, अगर आपका चिकन 700 से 800 ग्राम का है। अगर आपका चिकन थोड़ा बड़ा है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है रोस्ट होने में। तो ये देखिए प्लेटर में निकाल देते हैं, बहुत ही गर्म है अभी ये चिकन हमारा। तो लास्ट में आपने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डालना है, थोड़ा चाट मसाला और थोड़े धनिए के पत्ते डालने हैं और इसको आप मिंट सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू।